एक बार फिर दिग्विजय सिंह ने अपना दम दिखाया। एक बार फिर उन्होंने साबित कर दिया कि राघवगढ़ किंग वही है। बीजेपी ने राघवगढ़ नगर पालिका चुनाव पर जीत हासिल करने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा दिया था, मंत्रियों की फौज उतार दी थी। राज्य के एक मंत्री ने तो बीजेपी में न आने वालों के लिए बुलडोजर की भी चेतावनी दी। लेकिन इसके बावजूद दिग्विजय सिंह की लोकप्रियता को बीजेपी वाले गिरा नहीं पाए और कांग्रेस ने राघवगढ़ नगर पालिका के 16 वार्डों में जीत हासिल कर ली और बीजेपी को 8 सीटों से ही संतोष करना पड़ा। आपको बता दें कि राघवगढ़ नगर पालिका चुनाव के दौरान दिग्विजय सिंह ने एक भी दिन चुनाव प्रचार नहीं किया, क्योंकि वो भारत जोड़ो यात्रा में राहुल गांधी के साथ थे। हालांकि दिग्विजय सिंह के पुत्र जयवर्धन सिंह और उनके भाई लक्ष्मण सिंह ने जरूर काफी मेहनत की। दिग्विजय सिंह ने भी वीडियो के माध्यम से लोगों से कांग्रेस को वोट देने की अपील की और इसका असर भी दिखा। फिलहाल नगर पालिका चुनाव के परिणाम से एक बात तो साफ हो गई कि राघवगढ़ की जनता पर आज भी दिग्विजय सिंह का जादू बरकरार है। गुना से विकास दीक्षित की रिपोर्ट, एमपी तक।